राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक उत्सव मनाना भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। ऐसे में पर्यावरण का ध्यान रखना और रक्षण हमारा कर्तव्य है। इसी जवाबदारी को बखूबी निभाते हुए लायंस क्लब सामने द्वारा पर्यावरण पूरक उत्सव जन जागृति चलाकर मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करना, प्लास्टिक, थर्माकोल, पीओपी आदि का उपयोग ना करना, साथ ही ध्वनि प्रदूषण एवं निर्माल्य आदि का उचित व्यवस्थापन हेतु सामने लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुन्यानी पहल की, जिसे शहर के गणेश भक्तों ने प्रतिसाद देते हुए बड़े पैमाने पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नगर प्रशासन सावने द्वारा उपलब्ध कराए गए कृत्रिम टबों में कर पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता दिखाई। पर्यावरण पूरक इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने वाले गणेश भक्त परिवारों को लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुन्यानी, डॉक्टर प्रवीण चौहान एडवोकेट, मनोज खंगारे एडवोकेट, अभिषेक मुलमुले, पीयूष झुंझुवाड़िया आदि के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर प्रशासन के प्रशासकीय अधिकारी अतुल महत्री, मुख्य अधिकारी हर्षला राणे, सावनेर थाना इंचार्ज मारुति मुलुक आदि के संयुक्त प्रयासों से शहर के बस स्थानक राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, होली चौक, मुरलीधर मंदिर, शिव मंदिर आदि स्थानों पर की गई कृत्रिम जल कुंभ और निर्माल्य संकलन केंद्रों की व्यवस्था का शहर के गणेश भक्तों ने लाभ उठाते हुए पूरे श्रद्धा भाव से अपने आराध्य भगवान गणेश को अंतिम विदाई दी। वहीं गणेश विसर्जन के दौरान शहर की सड़कें, चौराहे, विसर्जन स्थल, नदी के विभिन्न घाटों पर सावनेर पुलिस और नगर पालिका कर्मचारी, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग द्वारा उचित सुविधाएं उपलब्ध करा गणेश विसर्जन निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में अहम योगदान दिया। सावनेर सिंह, बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट।